गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कैपलर्स लॉ। ठीक, आज हम लोग कैपलर्स लॉ के बारे में स्टडी करेंगे, डिटेल में क्या होता है कैपलर्स लॉ। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था ग्रेविटेशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है और सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है। इस लेसन इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कैपलर्स लॉ पढ़ेंगे। कैपलर्स एक क्या थे, जर्मन एस्ट्रोनॉट थे, जिसने क्या बताया प्लेनेटरी मोशन के बारे में लॉज दिए। ठीक, कैपलर हैज गिवन द थ्री लॉज, कैपलर फर्स्ट लॉ, कैपलर सेकंड लॉ एंड कैपलर थर्ड लॉ। कैपलर फर्स्ट लॉ को क्या बोला गया, लॉ ऑफ ऑर्बिट बोला गया। कैपलर सेकंड लॉ को क्या बोला गया, लॉ ऑफ इक्वल एरिया बोला गया। और कैपलर थर्ड लॉ को बोला गया लॉ ऑफ टाइम। क्लियर, आपको ये तीन लॉ डिटेल में पढ़ना है। तो हम लोग शुरू करेंगे कैपलर फर्स्ट लॉ के। फर्स्ट लॉ के फर्स्ट इज कैपलर लॉ, तो कैपलर फर्स्ट लॉ बोला। ठीक, कैपलर फर्स्ट लॉ, कैपलर फर्स्ट लॉ। ठीक, कैपलर फर्स्ट लॉ क्या बताया उसने, जो अपना प्लैनेट है उस सर्कल में ना घूमकर कौन से ऑर्बिट में घूमता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। इलिप्टिकल ऑर्बिट का कहने का मतलब मेरा ये अपना इलिप्टिकल है। क्लियर, इलिप्टिकल में दो तरह का क्या होता है, फोकस होता है। ठीक, तो ये दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे सर्कल में एक सेंटर होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं सेंटर, वैसे इलिप्टिकल में दो चीज दो जगह के सेंटर होंगे, इसके लिए आप क्या बोलोगे, फोका है बोलोगे। क्लियर, एक रहेगा तो फोकस, दो है तो फोका है। क्लियर, और ये सपोज ये समझ लिया अपना सन है और ये अपना क्या है, कोई प्लानिट है। क्लियर, ये प्लानिट सन के इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या कर रहा है, रिवोल्यूशन कर रहा है, ऐसा कैपलर फर्स्ट लॉ में बताया गया आपको। क्लियर, तो आप कैसे लिखोगे, द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज एन इक्लिप्स रिवॉल्विंग इन एन इलेप्टिकल पाथ इन एन इलिप्टिकल पाथ अराउंड द सन and sun is situated at one of the foci. Sun is situated at one of foci. Clear? ये आपका first law, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, law of orbit बोलो। क्या बोलोगे आप, law of orbit. Clear? समझे law of orbit? Kepler second law में क्या बताया गया, Kepler second law को हम लोग बोलते हैं law of equal area. क्या बोलोगे, law of Kepler, law of equal area. Kepler सेकेंड लॉ, नोन एज लॉ ऑफ इक्वल एरिया, लॉ ऑफ इक्वल एरिया। क्लियर, इसमें क्या बताया गया, सपोज देखो ये अपना सन है, दिस इज सन, दिस इज अर्थ, क्लियर, दिस इज अनदर प्लैनेट एंड दिस इज आल्सो अनदर प्लैनेट। ठीक, आपको बोल रहा है दिस इज सन से लेकर अर्थ तक की जो डिस्टेंस है, सपोज आप इसको A1 मान लीजिए। क्लियर, फिर इसको आप A2 मान लीजिए, इसको आप A3 मान लीजिए। ठीक, जब अर्थ क्या होगा, यहां से यहां तक जाएगा तो ये क्या वहीं पे आएगा, नहीं, ये भी क्या करेगा, कुछ एरिया कवर करके यहां पे आ जाएगा। मीन्स उसका कहने का मतलब है कि जो इक्वल एरिया है, जो इतना एरिया इधर कवर हो रहा है, अगर वो मोशन मोशन आएगा, अगर वो इधर आएगा तो ये भी क्या होगा, कुछ ना कुछ एरिया कवर करेगा। क्लियर, ये किसकी किस्म बताई है, कैपलर सेकंड लॉ में। तो आप कैसे बोलोगे, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट स्वीप आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक, कैसे बोलोगे, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट स्वीप आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर, ये बात बता लो यार। ठीक है, इसको क्या बोला गया, लॉ ऑफ इक्वल एरिया बोला गया। नेक्स्ट है कैपलर थर्ड लॉ। कैपलर थर्ड लॉ बहुत इजी है, कैपलर थर्ड लॉ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ टाइम बोला जाता है। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ टाइम बोला जाता है। ठीक, इसको समझने के लिए आप सब समझो, ये वाला डायग्राम जरा समझिए।
सपोज अपने पास दो पाथ है, ठीक, दिस इज टू एक्सिस, फर्स्ट इज मेजर एक्सिस एंड सेकेंड इज माइनर एक्सिस, क्लियर। मेजर एक्सिस देखो, सपोज ये डिस्टेंस अपना है, ये डिस्टेंस को ए ले लीजिए, ये डिस्टेंस को बी ले लीजिए, तो आपके पास टोटल मेजर एक्सिस कितना आ जाएगा, टोटल मेजर एक्सिस हो जाएगा आपके पास कितना, टू ए, देखो ए प्लस ए इज इक्वल टू टू ए, वैसे माइनर एक्सिस देखा जाए तो आपको कितना आ जाएगा, टू बी, बी प्लस बी टू बी, ठीक। अर्थ को एक रिवोल्यूशन, अर्थ को सन का एक रिवोल्यूशन लगाने के लिए पूरा कितना दिन लगता है, 365 डेज लगता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड, ठीक। तो टाइम पीरियड बोलेंगे, क्लियर। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, कैपिटल थर्ड लॉ को, द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अराउंड द सन, अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मेजर एक्सिस अराउंड द सन, क्लियर। आपको इतना बोलना है, अराउंड द सन, क्लियर। अब उसके बाद क्या करना है, आपको एक स्टेप दिया हुआ है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ये आपको लर्न रखना है, ठीक। मतलब देखो ये ऐसे बोलोगे आप, द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ, ये तो आप बोल सकते हो रेडियस ऑफ सेमी मेजर एक्सिस अराउंड द सन, क्लियर। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब हो जाएगा, देयरफॉर टी स्क्वायर, अगर आपको प्रोपोर्शनल की साइड हटानी है, आपको एक कॉन्स्टेंट आता है जिसको बोलते हो के आर क्यूब, देयरफॉर ये हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू के, क्लियर। यहां तक आपको करना है, टोटल मार्क्स 3 मार्क कंटेन करता है, ठीक, विद डायग्राम, क्लियर। आप आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक। कैपिटल फर्स्ट लॉ को आप कैसे बोलोगे, लॉ ऑफ ऑर्बिट बोलोगे। कैपिटल फर्स्ट लॉ में इसने क्या बताया, जो ऑर्बिट है वो सर्कल ना होगी, कौन से ऑर्बिट में घूम रहा है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है, और सन क्या इस तरह का फोकस पे सिचुएटेड है, क्लियर। कैपिटल सेकंड लॉ में हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इक्वल एरिया, ठीक। तो आपको कैसे बोलना है, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट स्वीप आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, क्लियर। मतलब अगर कोई प्लैनेट इतना एरिया कवर कर रहा है कुछ टाइम में, तो वही दूसरा वाला प्लैनेट भी उतना ही एरिया कवर करेगा, क्लियर। थर्ड लॉ में उसने क्या बताया, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मेजर एक्सिस अराउंड द सन, ठीक। आपको इसको सॉल्व कर लेना है, ये आएगा आंसर, ठीक। मेजर एक्सिस आपको बताया मैंने क्या है, ये तरह का मेजर एक्सिस है, क्लियर। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, अगर इफ यू हैव डाउट प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, ओके। और नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्लियर। कैपिटल तो आपको समझ में आया, ठीक है। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, व्हाट डू यू मीन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में न्यूटन ने क्या बताया, क्लियर। न्यूटन ने बोला एवरी पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट एवरी अदर पार्टिकल विद ए फोर्स हुज मैग्नीट्यूड इज फर्स्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, सेकेंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर एंड
distance between them. Clear? ये क्या होता है सेकेंड, ठीक। इसलिए क्या है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कैसे बोलोगे, एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट एवरी अदर पार्टिकल विद ए फोर्स हूज मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब फिगर देखे समझा रहा हूँ, सपोज को भी एक प्लैनेट है, ये कोई दूसरा प्लैनेट है, एक का मास m1 है दूसरे का मास m2 है, क्लियर। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है r स्क्वायर, क्लियर। दोनों क्या कर रहे हैं फोर्स लगा रहे हैं एक दोनों के साइड, ये f ये f, ठीक। एक दोनों ये दोनों क्या कर रहे हैं दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस r स्क्वायर, दिस इज मास ऑफ द फर्स्ट प्लैनेट, दिस इज द मास ऑफ द सेकंड प्लैनेट, क्लियर। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं डिराइव करना है, इसका फॉर्मूला निकालना है हम लोग, क्लियर। तो कैसे तो सॉल्व करोगे आप, तो आप बोलोगे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, जो कि हम लोगों ने डेफिनेशन में बताया, डायरेक्ट देखो लिखा हूं यहाँ पे फोर्स हूज मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, देयर मासेस, मासेस मीन्स टू मास, एंड नेक्स्ट इज वन बाय आर स्क्वायर, क्लियर। नेक्स्ट उसमें लिखा मैंने फोर्स हूज मैग्नीट्यूड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, मीन्स टू द स्क्वायर एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। आप इसको आर से भी लिख सकते हो, डी से भी डिनोट कर सकते हो, क्लियर। इसको इक्वेशन नंबर वन दे दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर टू दे दीजिए। फ्रॉम वन एंड टू वी गेट फर्स्ट एंड सेकेंड से हम लोग को क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक। ये कैसे है, वन का मल्टीप्लाई एम वन एम टू में करोगे तो आपका आंसर आएगा एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। इसको आपको कॉन्स्टेंट हटाना है, कॉन्स्टेंट हटाने के लिए आप क्या करोगे, एक कॉन्स्टेंट लाओगे, सॉरी प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए आपको एक कॉन्स्टेंट लाना पड़ेगा जो कि है जी, तो जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गया आपका क्या हो गया न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला आ गया, क्लियर। वेयर यहां पर जी क्या है आपका, जी इज नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, जी की वैल्यू क्या होगी आपकी, वेयर जी इज नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, क्लियर। वहां पे वैल्यू ऑफ जी क्या है आपकी, द वैल्यू ऑफ जी इज 6.673 इंटू 10 रेज टू माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर, क्या हो गया उसका यूनिट हो गया, क्लियर। ये ऐसा यूनिट हुआ, अगर आपको सीजीएस में पूछा जाए तो क्या लिखोगे आप, सीजीएस में जी की वैल्यू हो जाएगी 6.673 इंटू 10 रेज टू माइनस 11 न्यूटन का हो जाएगा डाइन, मीटर का हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर, क्लियर समझा। इसके बाद जी को हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जी की वैल्यू कभी भी कहीं पर भी चेंज नहीं होती, इसके लिए आप जी को क्या बोलोगे, जी की वैल्यू क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है। होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखो जब फोर्स इंक्रीज होगा, इधर से मतलब समझो, जब फोर्स इंक्रीज होगा तो आपको मतलब अगर जब आपका मास बढ़ गया तो आपको फोर्स भी ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। जैसे आपको बाइक को किसी को धक्का लगाना है तो बाइक का वजन कम रहेगा तो आप आराम से लगा लोगे, अगर आपको कार बढ़ जाए तो आपको डबल लगाना पड़ेगा, वैसे जब फोर्स बढ़ेगा, मास बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा। अगर नेक्स्ट है इन्वर्सली का मतलब, जब रेडियस बढ़ा तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जब फोर्स बढ़ेगा तो रेडियस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्लियर। इसलिए इसको बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली मतलब एक बढ़ना दूसरा घटना, ठीक। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक। कैसे बोलना है आपको, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट दैट एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट एवरी अदर पार्टिकल विद ए फोर्स हूज मैग्नीट्यूड इज फर्स्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, क्लियर। डायग्राम में बताया ये मास ऑफ फर्स्ट प्लैनेट है, ये मास ऑफ सेकंड प्लैनेट है, दोनों के बीच का डिस्टेंस आर स्क्वायर है, दोनों क्या कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद मैंने आपको डेरिवेशन बताया, फोर्स है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम वन एम टू के, इक्वेशन नंबर वन डाल के छोड़ दीजिए उसको, उसके बाद हम लोग लिखा एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन बाय आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर टू डाल के छोड़ दीजिए। फ्रॉम वन और टू से हम लोग क्या मिला, एफ इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। आपको डायरेक्टली का साइन हटा, इसको साइन हटाना है प्रोपोर्शनलिटी का, तो आपको कॉन्स्टेंट लाना पड़ेगा जो क्या है जी, क्लियर। जी इज नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, ठीक। आपको यहाँ जी की वैल्यू मिल जाएगी, जी की वैल्यू कितनी होती है 6.673 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर, क्लियर हो जाएगा आपसे। आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा,
If you like my video, please comment, subscribe and like my videos. Clear? If you have any doubt, please comment in the comment box. Okay? I have given a two question. मैं आपको दो question दे रहा हूँ. जरा आप उसका answer comment box में comment कीजिए. What is the value of G in CGS with their unit? Clear? And second question, my second question is, if the mass is tripled, what is the value of G? Clear? If you know its answer, please comment in the comment box. Okay. Thank you.